रूस यूक्रेन विवाद में दुनिया सुलग रही है, दुनिया जंग के शोलों में सुलग रही है। इस बीच चालबाज चीन ने युद्ध की एक और चिंगारी को सुलगा दिया है। चीन ने मौका देखकर अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका को धमकी दे दी है। चीन ने अमेरिका को धमकी दी है कि वो ताइवान से दूर रहे। चीन ताइवान को कब्जाना चाहता है, इसलिए चीन ने कहा कि अमेरिका ताइवान को हथियार नहीं बेचे। यूक्रेन का संकट अब तक खत्म भी नहीं हुआ है कि अमेरिका के लिए नई मुसीबत सामने आ गई है। ब्लैक सी में वॉर ड्रिल के जरिए रूस अमेरिका को अपनी ताकत दिखाई रहा था कि साउथ चाइना सी में चीन ने अमेरिका को आंखें दिखानी शुरू कर दी है। यूरोप में रूस ने अमेरिका को चुनौती क्या दी, विस्तारवादी चीन को अपनी चाल चलने का नया मौका मिल गया। चीन को अब लग रहा है अमेरिका और नाटो को चुनौती दी जा सकती है। यूक्रेन विवाद में उलझे अमेरिका को चीन ने अब सीधे सीधे शब्दों में धमकी दी है। चीन ने अमेरिका को कहा है कि वो ताइवान को हथियार और तकनीक नहीं बेचे। दरअसल अमेरिका लगातार साउथ चाइना सी में अपने वॉरशिप भेजता रहा है। अमेरिका साउथ चाइना सी में अपनी ताकत दिखाकर चीन को सख्त संदेश देता रहा है कि वो ताइवान से दूर रहे, लेकिन चीन है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता रहा है, लेकिन अमेरिका ताइवान को अलग मुल्क के तौर पर ट्रीट करता है। अमेरिका की कोशिश है कि वो ताइवान के जरिए चीन को काबू करे, इसलिए अमेरिका ताइवान को घातक हथियारों से लैस करता रहा है। अमेरिकी कंपनियां बड़े पैमाने पर ताइवान को ऐसे हथियार बेचती रही हैं जो चीन को निशाना बना सके। इसी वजह से चीन तिलमिलाया हुआ है। जैसे ही यूक्रेन विवाद के दौरान चीन को मौका मिला, अपना रंग दिखाते हुए अमेरिका को खुली धमकी दे डाली। तो पुतिन ने जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज किया, उसके बाद अमेरिका उसमें नीचा होते हुए दिखाई दे रहा है, और ये बात चीन को समझ में आनी शुरू हो गई है, इसलिए चीन ने अपने तेवर बदलने शुरू कर दिए। टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।